हेलो फ्रेंड्स, सर्दियों में पराठे खाना तो सभी को पसंद है। इस तरह से मूली के पराठे बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनते हैं और खाने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैंने आटा लिया है और ये है मूली जो मैंने पहले से ही ग्रेट कर ली है। अब ये मूली मैं इसमें ऐड कर दूंगी। हम सबसे पहले इसमें मूली ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये चॉप्ड मेथी। ये मेथी के पत्ते हैं जो मैंने अच्छे से चॉप कर लिए हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया। हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली, बारीक चॉप की हुई अदरक, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, स्वादानुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी। अब हम इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। अभी हम पानी नहीं ऐड करेंगे इसमें क्योंकि मूली में पानी होता है, और इसको पहले बिना पानी के ही अच्छे से हम गूंद लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका हम एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके का अच्छे से पूरा डो हमें बना लेना है और इसको थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तो आटा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे और पराठा बेल लेंगे। आप जितना बड़ा पराठा बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। आप इसको गोल बेलें, तिकोना बेलें, आपकी मर्जी है। इस तरह से हम सारे पराठे बेल लेंगे। यहाँ पर हमने एक पैन लिया है और उसको अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। इस पर हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे और पराठा डाल देंगे। इसको फ्लिप कर लेंगे और इस पर अच्छे से ऑयल, बटर, घी, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। ये ब्रेकफास्ट में 5 मिनट में बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। इसी तरह से हम अपने एक एक करके सारे पराठे सेक लेंगे। तो हमारे पराठे बनकर तैयार हैं। बच्चों के लंच में आप इन्हें पैक करके दें और ये देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं।